गुड मॉर्निंग, आज क्या है? 5-2। रिक्वेस्ट सेंटेंसेस। रिक्वेस्ट मीन्स अनुरोध। हम सबों को स्पोकन में मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज में इन वर्ड के यूज करने हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट में दो ही वर्ड आते हैं, प्लीज एंड काइंडली। एक प्लीज और एक काइंडली। प्लीज मींस कृपया एंड काइंडली दया करके। इन दो वर्ड का हम लोग यूज करेंगे। बातचीत में हम लोग इन दोनों शब्द को काइंडली को भी हम लोग ब्रेक कर देंगे, प्लीज को अक्सर हम लोग बोलेंगे। बातों बातों में बोलना है, इनकी आदत को लीजिए, ठीक है। कहते हैं कृपया मुझे कलम दे, है ना। कृपया बैठ जाए, दया करके मेरी मदद करें, ठीक है। क्या करेंगे? इन दोनों में कृपया आए हैं, कृपया के लिए क्या करेंगे? प्लीज, प्लीज दे, प्लीज के बाद गिव मी और पेन, कृपया बैठ जाएं। प्लीज सिट डाउन, दया करके काइंडली, दया करके मेरी मदद करें। काइंडली हेल्प, काइंडली हेल्प मी। बस ठीक है।
उतार लिया। याद रहे कि प्लीज को हम लोग यूज करेंगे। दूसरी चीज कि ये जरूरी नहीं है कि प्लीज वर्ड हमारे सेंटेंस में पहले आए, ये लास्ट पोजीशन में भी आ सकते हैं। यहाँ प्लीज तो क्या करेंगे, गिव, ये प्लीज को हटा दिया, ठीक है, ये हटा दिया। पढ़ो, गिव मी अ पेन प्लीज, ठीक है, सिट डाउन प्लीज, ठीक, यहां भी लगा दिया प्लीज। हम लोग ऊंचे दर्जे में, हम लोग जब ऊंचे दर्जे में कुछ बात करते हैं तो हम लोग काइंडली का यूज करते हैं, ये याद रखेंगे। ऊंचे दर्जे मीन्स कानून व्यवस्था में लीजिए, है ना, क्योंकि वहां हमारे रिक्वेस्ट जो है बहुत बड़ी होती है, इसलिए वहाँ हमें विनम्र होना पड़ता है, बट एक बहुत सम्मान के साथ। ओके, उतार लिया। अब एक देखो, उतार लिया ना, अब एक इन्हीं में एक आ जाते हैं जोरदार, जोरदार जिसे हम लोग कहते हैं इम्फैटिक। जब इम्फैटिक लगाते हैं, सॉरी, इम्फैटिक जब हमारे सेंटेंस होते हैं, जोरदार होते हैं, तो प्लीज के बाद डू यूज करते हैं। ये इसमें आएंगे, तुम्हें अवश्य आना चाहिए, सॉरी, उसे अवश्य बोलने दें, उसे अवश्य बोलने दें। उसे अवश्य बोलने दे, ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग करते हैं प्लीज डू बोलना का स्पीक। हाँ, कर सकते हो, टेल, सॉरी, टेल किसे, उसे, हिम, बस। जब आपके सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में अवश्य आ जाए तो प्लीज के बाद डू लिखना और इसके बाद वर्ब की पोजीशन को लिखना, वर्ब के बाद सब्जेक्ट को लिखना। ये सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ठीक है, नाउन होंगे या प्रोनाउन, प्रोनाउन हमारे ऑब्जेक्टिव केस रहते हैं, ही सी इट, सॉरी, ही सी आई यू दे,
ये मत लिखना। कोई भी नहीं लिखेंगे, ठीक है? अभी देखो, इन्हीं में एक होते हमारे नकारात्मक, नकारात्मक इसी में वो क्या होंगे, एक सेंटेंस बोले नकारात्मक के। कृपया यह नहीं कीजिए। कृपया, सॉरी, यह नहीं कीजिए। आ गए ना, नकारात्मक मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव आ जाते हैं। कृपया यह नहीं कीजिए। अच्छा हाँ, रोते हैं ना, ठीक। ऐसे बीच बीच में इंडिकेट करना, ठीक है, जोरदार। कृपया यह नहीं कीजिए, कृपया यह नहीं कीजिए, तो क्या करेंगे? प्लीज डू नॉट डू क्या, यह का दिस इट, दिस लिखो या इट लिखो, दिस आप तब करोगे जब आप उस सिचुएशन को देख रहे हो, उस कंडीशन को देख रहे हो, या फिर कोई चीज है जो आप भी देख रहे हो, दूसरे भी देख रहे हैं। आपने कह दिया कि उस किताब को मत छूना, या फिर कृपया उस किताब को न छूए, कहते हैं ना उस किताब को, तो मीन्स ये एक फिक्स हो गई है ना, बात को समझो, वो एक फिक्स हो गई। तो फिक्स में हम लोग दिस यूज करते हैं, और जब बता दिया सुनो वहां वो सब मत छूना, अब कौन सब नहीं छूना, तब तो पता नहीं चलता है। तो वैसी कंडीशन में हम लोग ईट को यूज करते हैं। अब दोनों लिख सकते हो, चलेंगे, लेकिन ये याद रखोगे। तो यहां हमने यूज किया है इट को, नहीं किया दिस यूज किया। क्लियर? इसके तीन तरह के हैं, तीनों तरह के आप बनाएंगे, और किन्हीं को कुछ अब बोलिए, क्योंकि मेरे क्या कहते हैं, बताते वक्त जब मैं बोर्ड पर हूं तो पीछे से कोई कुछ बोलेंगे नहीं, है ना। किन्हीं को भी कुछ बोलिए, ओके बाय।